हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है हमारा हॉल वीडियो सेकंड पार्ट। उदयपुर से जितनी भी मैंने शॉपिंग की थी, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अपने चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या परचेज किया था उदयपुर से। तो वो मैंने फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर दिया है। ये तो जो हमारी फर्स्ट परचेज है मोजड़ी का, एक्चुअली मैंने एक ही शॉप से खरीदे थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था परचेज करने का, और मैंने एक ही शॉप से ये जो 23 पेयर्स हैं वो मैंने एक ही शॉप से सारे खरीद लिए। हालांकि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक ही जगह से सारी परचेसिंग, सारी शॉपिंग ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि मार्केट में और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कितने रेट पे अवेलेबल है। बट मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी तो मैंने एक ही शॉप से सारी परचेजिंग कर ली, और बिल जो है मैंने वो इकट्ठा ही पे किया था। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊंगी कि किसका क्या प्राइस है, बट जब भी आप कहीं जाएं आप देख लीजिएगा कि किसका क्या प्राइस है। तो चलिए, जो हमारी फर्स्ट मोजड़ीज हैं वो मैंने परचेज की थी लड्डू के लिए, तो वो थोड़ा गोल्डन और येलो के कलर में है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे पॉम पॉम लगा हुआ है, ये थोड़ा मल्टी कलर हो जाता है, गोल्डन, ग्रीन, येलो और ये मरून। ये देखिए, ये सॉफ्ट है, ये कुशन लगा हुआ है यहाँ पर, और ये पीछे से लेदर नहीं है, ये इस तरह का इसका सोल है जो कि कंफर्टेबल रहता है बहुत ही ज़्यादा। लड्डू ने पहन के देख लिया है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसकी देखिए शेप ना थोड़ी सी अलग है, इस तरह से मतलब राउंड नहीं है बिल्कुल, इस तरह से जा रही है, थोड़ा ओवल शेप में है, तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारी ये देखिए मोजड़ीज हैं ये देखिए। और ये मैंने लड्डू के लिए परचेज़ की थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ये पहन के भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। आप वैसे तो आप मोजड़ी को किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल कर। ये था हमारा फर्स्ट परचेज मोजड़ी का। तो अभी मैं आपके साथ सारी वर्क वाली मोजड़ी शेयर कर रही हूँ, जिसके जो सिंपल नहीं है, थोड़ा थोड़ा जिसपे कुछ कुछ वर्क हो रखा है, जो किसी छोटे मोटे फंक्शन या शादी पार्टी के लिए अप्रोप्रिएट है। तो जो सेकंड परचेज है हमारा, एक सेकंड, और जो सेकंड परचेज है हमारा वो ये इस तरह की वाइट इनका बेस है, ये देखिए, और उस पर ये गोल्डन से और मैरून से ये थ्रेड वर्क हुआ है, ये इस तरह की पत्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए अगेन, ये उसी तो ये वाली जो मोजड़ीज़ हैं, पहले वाली जो मोजड़ीज़ मैंने दिखाई थी उसमें थोड़ा कम कुशनिंग की गई थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से कुशनिंग की गई है, इससे कि जो आपका पैर का जो नीचे का हिस्सा है तलवा वो दुखता नहीं है अगर आप लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं या चलते हैं। और ये देखिए इसका सोल उससे थोड़ा सा बेटर है, ये देखिए, लेकिन लेदर का नहीं है। और ये भी अगेन छोटे फंक्शन पार्टी के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और वाकई में वाइट के ऊपर जो इस तरह का काम हुआ हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये था हमारा, ये देखिए इसके बैक में भी ये काम हो रहा है, उसमें बैक में काम नहीं हुआ, वो थोड़ा लेदर ऊपर से जो है ना वो लेदर में है, और ये थोड़े लेदर नहीं है, ये आई थिंक कपड़े का कुछ काम हुआ हुआ है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये वाली जो ऊपर से लेदर की थी और नीचे से सोल सिंपल है, और ये ऊपर से लेदर की नहीं है, कपड़े का कुछ है, और पीछे से ये इस तरह का सोल है, लेकिन कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है देखिए। तो ये था हमारा सेकंड परचेज, ये भी मैंने गिफ्टिंग के पर्पज से ही रख। जो हमारा थर्ड परचेज है, नेक्स्ट परचेज है जो हमारा मोजड़ीज का, वो सेकेंड वाले पैटर्न पे ही है, बट उसमें मैरून कलर था, इसमें थोड़ा टमाटरी रेड कलर है, ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पहले वाले में जो पत्तियाँ बनी हुई थी उसमें गोल्डन के साथ मैरून कलर था, और इसमें टमाटरी रेड कलर है, और सेम वही पैटर्न है, इसमें अंदर बहुत अच्छे से कुशनिंग की गई है, और पूरे पे ओवरऑल पूरे पे ही काम है। ये देखिए यहाँ पर फ्रंट में भी आपको इसी तरह का काम मिलेगा, और ये देखिए बैक में भी बहुत अच्छे से इसी तरह का काम मिलेगा, जिससे कि मोजड़ीज जब हम पहनते हैं तो जो लुक है ना ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा ग्रेस करता है, एनहांस हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मोजड़ीज हैं, इसलिए मैंने दो कलर में ही अवेलेबल थी और मैंने दोनों ही पीस ले लिए इसके। तो ये था हमारा नेक्स्ट परचेज, अब चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट परचेज है वो उसका जो बेस है वो भी वाइट कलर में है,
ये देखिए इसका भी जो बेस है वो वाइट कलर में ही है, और इस पे ये देखिए इस तरह से कुछ फ्लावर पैटर्न है मल्टी कलर में, ये देखिए येलो ब्लू ग्रीन मर्जेंटा और पूरे वाइट के बेस में है ये। ये देखिए कितना सुंदर इस पे थ्रेड वर्क हुआ है, और ये जो वर्क है वो फ्रंट और बैक दोनों में हो रखा है। सेम प्रीवियस मोजरी जैसा पैटर्न है, अंदर बहुत अच्छे से कुशनिंग हो रखी है, पीछे से सोल इस तरह का है, थोड़ा थोड़ा सोल में डिफरेंस है बट सोल वैसा ही है, लेदर का नहीं है पर सोल काफ़ी अच्छा है। ये देखिए तो ये है हमारा नेक्स्ट परचेज। अगेन मोजरीज पर बहुत ही सुंदर थ्रेड वर्क हुआ है, इस पर मल्टी कलर है, इसका जो बेस है वो ब्लैक है इसलिए जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। और ये देखिए फ्रंट और बैक, ये देखिए दोनों पर ही इतना सुंदर सा वर्क हुआ है, और देखने में तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। जो मल्टी कलर होता है उसको आप बहुत सारे ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं, किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं रह जाता, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं मल्टी कलर की ही जूतियाँ लूँ। और देखने में देखिए बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, और अंदर से देखिए अंदर से पूरे में फ्रंट टू बैक पूरी अच्छे से कुशनिंग हुई है ताकि आपका पैर दुखे नहीं। और देखिए सेम सोल है लेकिन सोल में कुछ कुछ डिज़ाइन थोड़े सबके अलग हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी जुत्तीज़ है। ये देखिए जो सारी जुत्तियाँ हैं वो सारी प्लेन में हैं और लेदर की हैं सारी जुत्तीज़। फर्स्ट जुत्ती है प्लेन में, मतलब लेदर की जुत्तीज़ में, बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए इस पे ये जो काम है वो गोल्डन जरी का काम हुआ है। ये देखिए और प्योर लेदर की जूती है, और फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ कुशनिंग की गई है और अच्छे से सिलाई हुई हुई है, मतलब पेस्टिंग नहीं हुई, अके जो सिलाई है वो पहचान होती है अच्छी जूतियों की, ताकि जो पेस्टिंग क्या होती है वो बहुत जल्दी उखड़ जाती है, जब ये सिलाई हो जाती है तो उससे श्योर हो जाती है कि जूती जल्दी ख़राब नहीं होती। और देखिए इस पे मेंशन भी है जेन्युइन लेदर, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है जेन्युइन लेदर, बहुत ही प्यारी जूतीज़ हैं ये। ये देखिए बहुत अच्छा जरी से काम हुआ है, और ये जो काम है वो सिर्फ फ्रंट में हो रखा है, बैक से बिल्कुल प्लेन है। ये देखिए जो हमारी जुत्तीज़ हैं नेक्स्ट वो प्लेन में है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ही स्मॉल डिफरेंस है बाकी सब जुतियों में, अब सारी जुतीज़ प्लेन है। ये देखिए इस तरह की सेम तीन जुत्ती आ गई हैं। ये देखिए इस वाली जुत्ती में ये जो लाइनिंग आ रही है वो थोड़ी सी लॉन्ग आ रही है, बाकी जो दोनों जुतीज़ हैं वो सेम ही है लेकिन उसकी जो लाइनिंग है वो शॉर्ट है, इससे शॉर्ट है, और बाकी पूरी जुत्ती प्लेन है। यहाँ पर थोड़ा लाइनिंग का पैटर्न दिया गया है, अगेन सिलाई हुई है इसमें फ्रंट और बैक में कुशनिंग है, और देखिए पूरी जूती प्लेन है, और पीछे से प्योर लेदर का ये सोल है, शाइनिंग बहुत है इन जूतीज में, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इस तरह की जो जूती हैं आप किसी भी ड्रेस के साथ किसी भी लुक में स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये देखिए इसमें से कुछ जूतीज मेरे को अभी भी गिफ्ट करनी है इसलिए मैंने रखी हुई हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी जूती है। अब जो हमारी नेक्स्ट जूती है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड वर्क किया हुआ है, आई थिंक उस जूती पे जरी का जो वर्क किया हुआ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर पूरी जरी से काम हुआ है, और ये देखिए इस तरह की ये छोटे छोटे से जो डिज़ाइन की हुई है, ये गोल्डन ये जो काम है ये वाला ये गोल्डन जरी का काम है और ये सिल्वर जरी का काम है, और इस तरह का डिज़ाइन है, और ये देखिए इसमें भी कुशनिंग है फ्रंट और बैक में, और पूरा धागे से सिला हुआ है आगे और पीछे दोनों तरफ से, मतलब फ्रंट में भी पूरा सिलाई का काम है और बैक में भी पूरा सिलाई का काम है, और इस तरह से यहाँ से डबल इंश्योर किया हुआ है ताकि जूतियाँ ख़राब नहीं हों। ये जो जूती है ना, इस तरीके की जूती मैंने 3 पेयर खरीदे थे, उसमें क्या था तीनों में जरी का काम था लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पैटर्न है डिज़ाइन है वो थोड़ा थोड़ा अलग था,
जो दो हैं जुतियाँ वो ऑलरेडी मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ, थर्ड वन मैंने अपने लिए ली है। तो ये भी जुतियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, ऑफिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या अगेन किसी छोटे से फेस्टिवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। साड़ी सूट हर किसी पर ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर जुती हैं। नेक्स्ट जो जुतीज हैं वो अगेन प्लेन जुती हैं और सेम ही हैं दोनों जुतीज। ये देखिए प्लेन में है, जो मैंने पहले दिखाई थी उसमें ये लाइनिंग दिखाई थी थोड़ी लॉन्ग थी और यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा लाइनिंग का पैटर्न था, इसमें वही पैटर्न थोड़ा कम है। और इसके जो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है वो गोल्डन जरी से काम हो रहा है। बाकी जुत्ती पूरी प्लेन है, शाइनिंग है अगेन जुतीज में। फ्रंट और बैक में कुशन का काम दिया हुआ है, ये है। और सेकंड पेयर ये है, एक पेयर मैंने इसमें से अपने लिए परचेज किया है और एक पेयर मैंने गिफ्ट देने के लिए परचेज किया। एक सेकंड, ये देखिए सेम ही है, ये देखिए सेम ही दो पेयर है। एक्चुअली प्लेन जुती मैं इसलिए मैंने ली है गिफ्टिंग के पर्पज से, क्योंकि प्लेन जूती वेस्टर्न इंडियन सबके साथ स्टाइल हो जाती है और दिखने भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। ये देखिए ये लेदर की ही है सारी जूतीज। तो ये था हमारा नेक्स्ट परचेज। अब जो नेक्स्ट जूती है वो भी प्लेन है लेकिन थोड़ा सा उस पर अच्छा सा वर्क हो इस पर, यहाँ पर ये थोड़ा जरी का काम है और इस तरह के यहाँ पे ये होल्स का कुछ पैटर्न दिया हुआ है दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, जो थोड़ा सा इसे अलग करता है। बाकी तो ये प्लेन ही है, ये बैक से भी प्लेन है और देखिए पूरे में धागे की सिलाई का काम हुआ है। अगेन फ्रंट और बैक में कुशनिंग की हुई है। और प्लेन जूती है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी जूती है। और सारे मुझे ना ये ब्राउन कलर जो होता है ना और या टैन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो एक शेड लाइट एक शेड डार्क सारी जूती एक ही कलर की हो गई हैं। बट कोई बात नहीं, बहुत प्यारी जूती है, मैं सबको कुछ किसी ना किसी वे में स्टाइल कर लूँगी और ऑफिस के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, रेगुलर वे में बहुत यूज़ हो जाती हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट जूती और रह गई थी जिसपे वर्क हुआ है जरी का, वो थोड़ी डिफरेंट सी है लेकिन प्यारी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए थोड़ा येलो मस्टर्ड येलो में आई थिंक ये है, ये देखिए फंक्शन के लिए, इसमें ब्राउन है और मैरून कलर का काम दिया हुआ। ये देखिए पहले वाले पैटर्न में ही है, कुशनिंग की गई है, सोल इस तरह का है, लेदर का नहीं है, केवल बहुत है, ये जरी का काम है पूरे में। ये देखिए फ्रंट और बैक से, ये देखिए पूरा ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ अटैच किया हुआ है, ये काम अटैच हुआ हुआ है। ये देखिए पूरा ही फ्रंट से लेके पूरा बैक तक जा रहा है ये काम, बीच में कहीं भी छूटा हुआ नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और फंक्शन वगैरह में तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखिए ये मैंने अपने लिए ही ली है, बहुत ही सुंदर जूती है। म्यूल्स भी लिए हैं और लेदर के ही म्यूल्स हैं, ये देखिए कितने सुंदर हैं। ये देखिए लेदर के हैं, प्योर लेदर के, पूरा सिलाई वर्क है और बहुत ही सिंपल सोबर ऑफिशियल ऑफिस पर्पस के लिए बहुत प्यारे म्यूल्स हैं। ये मैंने लिए हैं टू पेयर, एक मेरी भाभी के लिए जो ऑलरेडी उन्होंने यूज कर लिया है और ये है मेरा। ये देखिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, चलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं ये म्यूल्स और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑफिस पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं, थोड़ा ब्राउन चेरी कलर में है थोड़ा, और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए दो पेयर लिए थे, एक पेयर मेरे लिए एक मेरी भाभी के लिए जो ऑलरेडी उन्होंने यूज़ कर लिए। म्यूल्स है वो मैंने लिया है मेरी सिस्टर के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ये देखिए टैन कलर में है, कुछ मस्टर्ड में टैन कलर में, ये देखिए हल्की सी इसमें हील दी हुई है, इस तरह का सोल है। और ये देखिए ये यहाँ पर थ्रेड वर्क, थ्रेड का कुछ पट्टी लगाई हुई है यहाँ पर ब्लैक और मैरून में। बाकी ये जो यहाँ पर थोड़ा सा काम किया हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइट वेट है और बहुत प्यारे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जो जितना भी कलेक्शन है मोजड़ीज़ का आपको बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।